ए टू जेड फ्यूचर पॉइंट के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में मारी बाजी। सफल छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बिहार शरीफ के निचली किला गढ़ पर स्थित ए टू जेड फ्यूचर पॉइंट के छात्र छात्राओं ने इस बार की मैट्रिक परीक्षा में अपार सफलता हासिल की है। इस कोचिंग सेंटर के कुल 83 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, जबकि 25 छात्र छात्राओं ने सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। इस मौके पर सफल छात्र छात्राओं को मैथ के जादूगर सुबोध सर और शशि सर द्वारा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली दिव्यांशी कुमारी, अमित कुमार और ब्यूटी कुमारी समेत कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यहाँ पर जितने भी छात्र सफल हुए हैं, नालंदा जिला का ये ए टू जेड फ्यूचर पॉइंट्स का बहुत ही योगदान रहा। बहुत ही कड़ी मेहनत से पूरे ईयर्स कोरोना काल में भी बहुत मेहनत किए, इसके वजह से ये नालंदा जिला के सभी छात्र बहुत ही अच्छे नंबर ला करके शशि सर का नाम को रोशन किए। और सभी स्टूडेंट्स को और हम लोग अपने तरफ से सुबोध सर सर धन्यवाद देते हैं। सफल हुआ इस बार, जो कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम है और हम भी मेहनत किए इसमें, और मेरा स्टूडेंट भी मेहनत किया, दोनों मिलकर के मेहनत किए। तो आज मतलब कि मेरा स्टूडेंट है जो कि मैथ में 99 नंबर और साइंस में 95 नंबर 95 नंबर तक लाया, इसमें मेरा योगदान रहा, मेरा स्टूडेंट का योगदान रहा। उससे पहले हमारे सर जो हैं, ठीक है, यही सर जो सुबोध सर हुए, ये हमको सब चीज़ सिखाए और हमको पढ़ने के लिए भी सिखाए और पढ़ाने के लिए भी हमको बहुत चीज़ मतलब की मदद करते हैं। तो हमारे गुरु जी हैं, ठीक है, तो हम जो भी आज तक मतलब अगर इतना आगे जा रहे हैं तो हमारे सर के बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे वजह से मेरा स्टूडेंट भी आज बहुत आगे जा रहा है, इस बात के लिए बहुत खुशी हमको होता है। सबसे पहले तो ए टू जेड फ्यूचर पॉइंट एंड मगध कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हर एक साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं। पिछले बार की तरह पिछले साल से इस साल हमारे यहाँ टोटल 85 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, और हम लोग लगातार मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे हर साल इसी तरह से परचम लहराया करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।